हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बताएंगे कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। मिक्सचर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं द मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। द मिक्सचर्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, टू टाइप्स। नंबर वन होता है होमोजेनियस मिक्सचर और नंबर टू होता है हेटरोजेनियस मिक्सचर। नंबर वन होमोजेनियस मिक्सचर, और नंबर टू है हेटरोजेनियस मिक्सचर। हेटरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस मिक्सचर दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। अब हम इसमें होमोजेनियस मिक्सचर को डिस्क्राइब करेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहा जाता है। तो अब हम लोग हेडिंग डाल लेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसको हम लोग कहते हैं? अगर देखिए कोई मिक्सचर आपको मिले और उसमें कंपोजिशन पूरा यूनिफॉर्म हो, पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में हर जगह इक्वल हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और उसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, यानी सोलूशन में कोई फिजिकल डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पार्ट आपको या अलग अलग पार्टिकल आपको दिखाई न दें, तब आप उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी जिस मिक्सचर का कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है और कोई उनमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं पाए जाते, दिखाई देते हैं, तो उनको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इस तरीके से होमोजेनियस मिक्सचर की डिफिनेशन आप लिख लीजिए, आ मिक्सचर अ मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन and does not have physically distinct parts फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स इज कॉल्ड या इज नोन एज इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर हमने आपको बता दिया। अब इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए हमने आपको मिक्सचर का एग्जाम्पल बताया है, उसमें से कुछ मिक्सचर होमोजेनियस हैं और कुछ हेटरोजेनियस हैं, तो उन्हीं मिक्सचर में से हम आपको होमोजेनियस मिक्सचर भी बताएंगे, उसी में से आपको हेटरोजेनियस मिक्सचर भी बताएंगे। तो
इसमें आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया, सी वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, एल्कोहल और वाटर मिक्सचर होमोजीनियस होता है। पेट्रोल, पेट्रोल होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सोडा वाटर, सोडा वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं वो सब होमोजीनियस मिक्सचर है। लेमोनेड होमोजीनियस मिक्सचर है। विनेगर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ब्रास होमोजीनियस मिक्सचर है। और एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक सेक्टरा लगा के समाप्त करते हैं। ये तो है होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और उसका एग्जाम्पल हो गया हेटरोजीनियस मिक्सचर, अब देखेंगे। हेटरोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें मतलब कि मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हर जगह दिखाई नहीं देता है, और इनमें आपको फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, तो उनको हम लोग हेटरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ मिक्सचर विच हैव, अ मिक्सचर विच हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड डू नॉट हैव या डज नॉट एंड डज नॉट हैव, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन इज नोन एज, कामा इज नोन एज, हेटरोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर कहे जाते हैं। अब हेटरोजीनियस मिक्सचर के आप एग्जांपल्स जान लीजिए। हेटरोजीनियस एग्जांपल्स ऑफ हेटरोजीनियस मिक्सचर, इसमें देखिए शुगर, शुगर एंड सैंड मिक्सचर,
हेटरोजीनियस है। साल्ट और सैंड का मिक्सचर, साल्ट एंड सैंड मिक्सचर, ये भी होता है। और पॉल्यूटेड एयर, देखिए एयर जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर है तो वो हेटरोजीनियस मिक्सचर है। पॉल्यूटेड एयर हेटरोजीनियस मिक्सचर है। गन पाउडर, हेटरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क, इंक और पेट्रोलियम, हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। पेंट, ग्लास, पेंट हुआ, ग्लास हुआ, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है। और कोल हेटरोजीनियस मिक्सचर है। सॉयल, वुड हेटरोजीनियस मिक्सचर है। ब्लड भी हेटरोजीनियस मिक्सचर है, ब्लड और स्टार्च सॉल्यूशन, देखिए सारे सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे सॉल्यूशन लगा है लेकिन वो हेटरोजीनियस मिक्सचर हैं, तो जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हेटरोजीनियस मिक्सचर है, और आपके यहाँ सोप सॉल्यूशन, हेटरोजीनियस मिक्सचर है। सोप सॉल्यूशन के बाद आप आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर मिक्सचर, मिक्सचर ये भी हेटरोजीनियस है। डाइज, जितने भी डाइज होते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और देखिए पेट्रोल होमोजीनियस है लेकिन पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। पेट्रोल होमोजीनियस है लेकिन पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। मिल्क, मिल्क लिखे होंगे तो ठीक है। चाक एंड वाटर मिक्सचर, चाक एंड वाटर मिक्सचर, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। और रिवर वाटर, वाटर ये भी हेटरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हेटरोजीनियस मिक्सचर। बटर भी बटर हुआ, चीज हुआ, चीज, फेस क्रीम, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, हेयर जेल या आप कह सकते हैं हेयर स्प्रे, स्प्रे, फॉग मिस्ट, क्लाउड हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं एक्सेट्रा, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर हैं। अब इसमें हम लोग जानते रहिए, जानते रहें कि जितने भी कोलाइड हैं और जितने सस्पेंशन हैं वो सब के सब हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं।
और जितने सलूशन और एलॉयज हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। इसको नोट कर रखिएगा इसको दिमाग में। ऑल द सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स आर हेटरोजीनियस मिक्सचर। All the solutions and alloys are homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर, ये होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर को हम नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाएंगे।